नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तान्हा जी के बिजनेस के बारे में और के साहब की प्रिडिक्शन के बारे में। तान्हा जी का रिव्यू अगर आपने उस लुक्खे का देखा है तो उसने प्रिडिक्ट किया था, भैया मैं देता हूँ 2-4 बिजनेस रेटिंग, 50 करोड़ की बिजनेस रेटिंग है 1-4, तो किसी तरह कहता शायद ये फिल्म 100 करोड़ का धंधा कर जाएगी पर उससे नीचे ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मानना तो आपका है ना भैया के आर के जी, 150 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उसके अलावा जो हमारे NRI भाई हैं उनका क्या मानना है? उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए फुद्दू और पिटे हुए क्रिटिक हो। ताना जी ने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है इंडियन बॉक्स ऑफिस में, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का झांसा दे के फुद्दू कलेक्शंस नहीं दे रहा, और ये फिल्म 250 करोड़ का धंधा कर जाएगी आराम से। इंडिया में अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान के जीवन की सबसे बड़ी हिट साबित होगी, और सबसे बड़ी बात ये जीत होगी अजय देवगन की। अक्षय कुमार उम्र के साथ चमके हैं और समझदार हुए हैं, सब जानते हैं। समझदार मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट सिलेक्शन में एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बॉलीवुड पर्सन, उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, उनके चॉइस ऑफ को एक्टर्स, उनकी एक एक चीज़ निखरती जा रही है उम्र के साथ, वही हुआ है अजय देवगन के साथ। अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट होगी ताना जी, और ये पूरी तरह अजय देवगन की जीत है क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ ऐड नहीं की गई जिसकी वजह से बोलो भाई इतना बजट हो गया उतना हो गया। जेन्युइन मूवी है मराठों की युद्ध, और किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था इन मुगलों से, इस बात का सही मायने में विवरण करती है तानाजी। और जो भी इस फिल्म के खिलाफ है वो सच्चा देशभक्त नहीं है, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। और देशभक्ति की बात साइड पे रखते नहीं चाहिए। चलो ये अजय देवगन ने बिजनेस के लिए फिल्म बनाई है, एज अ बॉलीवुड फिल्म ऑल्सो इट हैज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ब्लॉकबस्टर, दैट्स वाई द ऑडियंस लव्ड इट। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये गाना ऐसे ही नहीं बना भैया, ये गाना नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है, लोग सब जानते हैं। नकली कलेक्शंस SRK बताया करता था, क्या हुआ, खत्म हो गया ना। खुद उसने एडमिट किया है लंदन में जाके, SRK ने, उसने बोला है जब वो सक्सेसफुल था, एरोगेंट था, पिछले 6-7 साल से उसकी फिल्में पिट रही हैं, और उसने उसे बहुत उन फेलियर ने उसे डाउन टू अर्थ बना दिया, वो खुद बोल रहा है। अब मैं बोलता हूँ तो भैया कुछ अलग बोल रहा हूँ कि वो 7-8 साल से पिट चुका है, खत्म हो चुका है, वो खुद एडमिट कर चुका है। और KRK भैया आदमी हो गधैया, ये फिल्म अजय देवगन ने डायरेक्ट की है, तो भैया मान लो सिक्का फिर हमारे अज्जू भैया का। अगर ओम राउत जो भी वो बंदा है वो सिर्फ नाम का डायरेक्टर है, इन्होंने ही डायरेक्ट की, तो देख ले भैया क्या चीज़ है। अजय देवगन खुद ही था लीड एक्टर, कोई ज़्यादा फलाना ढमकाना नहीं लिया, अपनी पत्नी काजोल को लिया और सैफ अली खान लिया है, वो खुद खत्म हुआ हुआ एक्टर है, उसको तो भैया एक चांस मिल गया, अपने आप को प्रूव कर देगा इस फिल्म के थ्रू। उसकी जवानी जाने मन बिहारी 31 जनवरी को, वो भी एक इंटरेस्टिंग मूवी है, वो बाद की बात है। बट अगर तेरे हिसाब से चले अजय देवगन खुद ही डायरेक्टर है तो भैया मान ले क्या चीज़ है वो। 15 करोड़ करनी थी तेरी स्ट्रीट डांसर 3D ने, पहले दिन 8 करोड़ 90 लाख 3500 स्क्रीनों में किया है, और आज आधे से भी कम आ गया उससे, और 60-65 करोड़ में ठप है वो फिल्म 125 करोड़ के बजट के साथ। और भैया तूने क्या बोला, 35 करोड़ करेगी पंगा, अबे क्यों करवा रहा है अपने आप को ऑडियंस के सामने नंगा। तेरे को दिख रहा है साले वो फिल्म कहाँ जा रही है, कुछ तो अकल रख।
100 करोड़ करेगी फिल्म, 35 करोड़। कैसे कैसे लोगों को क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट बना दिया गया भैया, हमारे समझ के बाहर है। हैट्स ऑफ टू अजय देवगन फॉर ब्रिलियंट मूवी लाइक तानाजी। थर्ड वीक चल रहा है और सुपर स्ट्रॉन्ग जा रही है। 250 करोड़ जाने से कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान में। 2-4 दिन की कहानी है, वो टारगेट अचीव कर जाएगी। बिग 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 विक्ट्री फॉर अजय देवगन एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर। और अक्षय कुमार को एक कॉम्पिटिटर मिल गया। ये दोनों ने एक्शन का जॉनर लाया था अन्ना के साथ, अन्ना यानी सुनील शेट्टी। ये तीन एक्शन किंग थे 90s में। शेट्टी थोड़ा बैठ गए बट फिर साउथ में नेगेटिव रोल और कुछ ना कुछ करके अपना कमबैक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी कुछ धमाल करेंगे। बट अजय देवगन, अक्षय कुमार हैव प्रूव टू बी अ रियल जेम ऑफ बॉलीवुड। क्या क्या करियर रहा है इनका, मोर देन 3 decades। दीज टू एक्टर्स आर जस्ट वर्थ सल्यूटिंग। अक्षय कुमार, अजय देवगन, तानाजी और KRK। डिंग डिंग डिंग, क्यों कराता है अपनी झंड, क्यों? आपका दोस्त, आपका होस्ट, अगली बात होगी मेरी ब्रांड की अदालत में, नसरुद्दीन शाह वर्सेस अनुपम खेर। उन दोनों को अपनी अदालत में ला रहा हूं मैं बहुत जल्द। अगर उसे देखना चाहते हो बहुत जल्द तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो कि अभी करो ब्रांड भैया, हमें है उसे देखने की चाह। और अगर कुछ और आपके दिमाग में है जिसे आप ब्रांड की अदालत में लाना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी गुजारिश पे विचार करूंगा, दुआओं में याद रखना।